स्ट्रीट इज न्यूज़ रियल टाइम। बाढ़, बिहार सरकार के घोषणा वाले 100 करोड़ रुपए अब नहीं तो कब होंगे इस्तेमाल, या फिर मंत्री अधिकारियों के लॉकडाउन में कागजी खर्च दिखा भरेंगे पॉकेट। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन 100 करोड़ रुपयों के बारे में जिसके लिए नीतीश सरकार ने देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद आपदा में फंसे गरीबों और बेबस लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण के लिए घोषणा किया गया था, लेकिन 3 दिन बाद भी रुपये का कहीं इस्तेमाल नहीं दिख रहा है। देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद कोरोना का कहर अब मजदूरों पर टूटने लगा है। राज्य के दूसरे जिले से काम लिए पटना आए मजदूरों को अब घर लौटना पड़ा रहा है। लॉकडाउन के बाद से बेरोजगार भूख से तड़पते सैकड़ों मजदूर प्रतिदिन पटना से खगड़िया, कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर समेत अन्य जिलों में अपने गंतव्य तक जाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का दूरी तय कर पैदल जा रहे हैं। इसी कड़ी में अहले सुबह पटना से पैदल चलकर भागलपुर अपने घर लौट रहे मजदूरों ने बताया कि वह पटना में मजदूरी का काम करता है। जब काम बंद हो गया तो मालिक ने भी खर्चा देने से मुंह मोड़ लिया, मजबूरन हम लोग गांव जा रहे हैं, घर लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन ट्रेन से लेकर बस तक का परिचालन बंद हो गया था। इन सभी युवकों से जब पटना से भागलपुर पैदल जाने के संदर्भ में पूछा गया तो मजदूरों ने सुस्ती लेते हुए मुस्कुराते हुए बोला, पटना से सभी को पुलिस मारकर भगा रही है, हम लोगों के खाने के लाले पड़ गए हैं, पॉकेट में पैसे नहीं है, भूखे प्यासे कितने दिन शहर में रहेंगे, मजबूरन गांव लौट रहे हैं।